अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। तो आज हम अपने किचन में पकाने जा रहे हैं दाल गोश्त। इसके लिए हमने मटन लिया हुआ है 1/2 kg, चने की दाल हमने 150 ग्राम ली है और इसे 2-3 घंटे से सोक किया हुआ था और अब ये पकाने के लिए एकदम तैयार है। 100 ml कुकिंग ऑयल और मसालों में हमने लिया है 1/2 teaspoon से थोड़ी सी कम हल्दी, 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट और 1 teaspoon हमने गरम मसाला लिया हुआ है। इसमें काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची और सिनेमिन स्टिक्स है। एक बड़ी प्याज, इसको हमने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। 1 टमाटर, 7-8 हरी मिर्चें और 3 bay leaf, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। कुकर में हम सबसे पहले अपना ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें अनियन ऐड करेंगे और अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब इसमें हम वो गोश्त ऐड करेंगे। अनियन का हमारा हल्का सा कलर चेंज हो चुका है तो इसमें अब हम मीट ऐड कर देंगे। मटन का देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। 1.5 मिनट हो चुका है हमारे मटन को भूनते हुए तो इसमें अब हम मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सॉल्ट वगैरह सभी कुछ हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके भून लेंगे क्योंकि मसाले हमारे खुश्क हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको मसाले के साथ भी भून लेंगे। देखिए मसाले से हमारा जो ऑयल है वो अलग होने लगा तो इसमें अब हम इतना पानी डालेंगे कि इसमें 2 से 3 सीटियां आराम से आ जाए और ज़्यादा पानी ना करें बाद में आपको खुश्क करना पड़ेगा। और टमाटर हमने कट कर लिया है वो भी हम यहीं ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसमें 2 से 3 सीटियां लगा लेंगे। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 7 मिनट इसे पका लेंगे ताकि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। हमारे सालन में 2 सीटियां आ चुकी हैं और अब इसको हम खोलकर भून लेंगे। और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसमें जितना भी पानी है इसको हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। गोश्त हमारा भून चुका है और अब इसको हम फ्लेम स्लो कर देंगे और इसके ऊपर से थोड़ी सी तरी निकाल लेंगे ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो उसके ऊपर से गार्निश किया जा सके। कुकर को हमने थोड़ा टेढ़ा कर लिया है क्योंकि ऑयल हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है तो इसमें ज़्यादा आएगा भी नहीं तो बस 2 चमचे हमने निकाल लिया है। और इसमें अब हम दाल ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें हमने 1 में से 2-2 कर ली हैं। इसे चला लीजिए। गोश्त हमारा 1/2 डन हो चुका है तो इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि इसमें आराम से 3 सीटियां आ जाए मीडियम फ्लेम पर और जितनी थिकनेस हमें चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने 300 ml पानी लिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये पूरा होता है या थोड़ा और डलेगा। इसमें से थोड़ा पानी हमें और डलेगा क्योंकि कम लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग दाल साबुत खाते हैं और कुछ लोग मैश की हुई तो हम यहाँ 3 सीटियाँ लगाएंगे और 3 सीटियाँ लगाने के बाद में हम इसको इसके प्रेशर में ही छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। जब इसमें हम चम्मच चलाएं तो अच्छी तरीके से एकदम से मैश हो जाए। तो हम कवर करके इसमें 3 सीटियाँ लगा लेंगे और इसको इसी के प्रेशर में छोड़ देंगे। हमारे सालन में 3 सीटियाँ आ चुकी हैं और इसको अब हम खोलकर देख लेंगे।
जो दाल है हमारी एकदम से टेंडर हो चुकी है, तो इसको अब हम ये जो रई होती है इसे हम थोड़ा सा चम्मच इस तरह से घुमाकर इसको घोट देंगे, बिल्कुल ही इसको मैश कर देंगे, दाल हमारी मैश हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर तड़का दे देंगे। देखिए दाल हमारी एकदम मैश हो चुकी है इतनी, तो अब इसका जो चूल्हा है इसको हम बंद कर लेंगे और इससे पहले इसमें डालेंगे धनिया। जूलियन ने लंबाई में कटी हुई अदरक वो इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको चला देंगे अच्छे से, और हम इसको दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर देंगे। पैन में हमने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है और गर्म हो चुका है, तो इसमें हम जीरा ऐड कर लेंगे। जीरे को हल्का सा पिंकेज हो जाने देंगे, फिर उसके बाद में इसमें अनियन ऐड कर लेंगे। और जब हमारी अनियन पिंक कलर की हो जाएगी तो जो हमने ऑयल बाहर निकाला था गार्निश करने के लिए उसमें से आधा ऑयल हम यहाँ ऐड कर लेंगे, ताकि जो तड़के का कलर है वो हमारा सालन जैसा ही हो जाए। अनियन हमारी पिंकिश होने लगी है तो 1 चम्मच हम भरकर वही ऑयल डाल देंगे जो हमने सालन में से निकाला था, और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे अपनी अनियन को। और तड़का हमारा तैयार है, तो अब इसको हम सालन के अंदर डाल देंगे और 5 मिनट के बाद में हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी दाल गोश्त बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। इसको आप किसी भी तरह की रोटी के साथ और चावल के साथ भी खाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।